50,000 एक्स्ट्रा लिए। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि मामला ये जो है हमारी सब चीजें नीट क्लीन है, हमारे पास कागज है, हर चीज है। छह सात मांगों में मेरा बोले जो जमीन थी उसमें उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाई है। अभी सरकारी तरफ से ना कोई कंपेंसेशन का वो हुआ है, कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई जो है उनकी, मैंने सुना है कि उनका बस आगे आगे बाउंड्री दिखाई जा रही है जो इलीगल है, उनका अभी पर्सनली कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेन मोटो ये है हमारा कि जब तक तो पकड़ा नहीं जाता तो मेन चीज क्या है, क्या बताऊँ आपको। अच्छा नमस्कार, मैं हूँ अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम लम्हुआ थाना क्षेत्र के सुखौली कला गाँव में मौजूद है। देखा जाए तो योगी सरकार भले ही दावा करती हो कि अपराध मुक्त प्रदेश बना रहा हूँ या बन गया है, लेकिन सुल्तानपुर जिले में इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पे घटनाओं पे ना तो अंकुश लग पा रहा है ना ही अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई ऐसे अपराधी हैं जो 50,000 के इनामिया हैं, 1,00,000 के इनामिया हैं, लेकिन पुलिस पकड़ से दूर है। कहा जाता है पुलिस के या कानून के हाथ लंबे होते हैं, जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपराधियों के हाथ लंबे हैं। कहावत यह भी है कि जब अपराध ज्यादा बढ़ता है या पाप ज्यादा होता है तो एक कहते हैं कि देहात में कहा जाता है कि पाप बढ़ेरी पे चढ़कर बोलता है, तो यही एक कहावत यहाँ भी चरितार्थ हो रही है कि एक डॉक्टर साहब हैं, सरकारी चिकित्सक रहे हैं और उन्होंने जमीन नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में खरीदी, लेकिन वहां के आरोपियों ने या जिन्होंने जमीन बेची उन्होंने पैसा जो कहा था उससे ज्यादा मांगा, या यूं सीधे कहें कि अवैध वसूली की बात सामने आई। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है काफी कुछ बर्दाश्त करते रहे, 50,000 संभवतः 2 बिस्से की जमीन 50,00,000 में तय हुई थी, और उन्होंने जो है 50,00,000 से ज्यादा की रकम भी दी। इसके बावजूद ये आरोपी जो दबंग आरोपी है यही नहीं रुके, हर बार पैसे की मांग करते रहे। घटना है 23 सितंबर की देर शाम की, अस्पताल से वापस आते हैं, घर से निकलते हैं, वही आरोपी लोग जिन्होंने जमीन बेचा था, नाम भी आपको बता देते हैं, आज की डेट में 50,000 की इनामिया है अजय नारायण सिंह, उन्होंने जो है पैसे की मांग करी, 2,500,000-3,00,000 रुपए और मांग करी। इन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं पैसा नहीं दे, अब नहीं दूंगा, आपको जो करना हो कर लीजिए। लेकिन स्थितियां इस तरह आई कि आपने अपने देश में तो इस तरह की तालिबानी सजा नहीं सुनाई पाती, इस तरह की यातनाएं नहीं होती, तालिबानी सजा दी जाती है, उन्होंने इस तरह का कृत्य किया, कमरे में बंद किया, जमकर पीटा, इतना पीटा कि मरणासन हो गए, यहां तक कि पैरों में जो है ड्रिल मशीन से छेद किया गया, दोनों हाथ तोड़ दिए गए। हाँ ये सारी चीजें हैं, पुलिस भी अभी पीएम रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन जब पता चला है कि 7-8 चोटें हैं, अधिक रक्तस्राव हो गया जिसके चलते उनकी मौत अस्पताल में हो गई, तो मैं उनके गांव आया हूं, माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है सरकार से, जो आपने 6-7 मांगे रखी थी क्या कुछ पूरी हुई, क्या शेष है। तो आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की घटना, कैसे शुरुआत हुई थी, कुछ आप बताएं या कभी घर में शेयर करते रहे हो। ये शुरुआत में सर वही प्रॉपर्टी की थी, हमने उनसे जमीन ली थी 2 बिस्से की, और उसके बाद जो है हमने पैसा भी पूरा पेड कर दिया था, पिता से जमीन ली थी, पिता को भी पेड कर दिया था, और बेटा जो कि इनसे कहा घर कहता था कि हमें पैसा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि हमने जमीन उनसे ली थी, हम आपको पैसा क्यों दे, क्योंकि जो चीज मैं जिससे लिया हूँ उसको मैं दूंगा। तो फिर ये फिर एक्स्ट्रा जब उनको पैसा देने के बाद ये कहे कि हमें भी पैसा चाहिए, तो ये कहे कि एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, तो इनके पिताजी ने कहा भैया इनको भी खाने पीने के लिए, क्योंकि वो करप्ट थे हर चीज में, मांस मदिरा जैसे थे वैसे सब चीज का पीने पाना उनका वो जो है शौक था, तो 50,000 एक्स्ट्रा लिए। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि मामला ये जो है हमारी सब चीजें नीट क्लीन है, हमारे पास कागज है, हर चीज है, तो इसके बाद क्या स्थिति क्या हो सकती है, इतना डाउट हम लोग को नहीं था। फिर उसके बाद जो है अजय नारायण सिंह का पुराना बैकिंग आप लोग जानते ही कैसे हैं, तो उनको पुराने हम लोग से पहले कितने लोगों की क्या उन्होंने किया ये मुझे नहीं पता,
तो सब जानते हैं हम, ये जैसे सरकार से आपने मांगे की हैं, जिला प्रशासन से मांगे की हैं, इसीलिए अंतिम संस्कार में थोड़ा समय लगा था, तो 6-7 मांगों में क्या कुछ पूरा हुआ है उसी उसकी जानकारी थोड़ा आपसे दें। 6-7 मांगों में मेरा बोले जो जमीन थी उसमें उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाई है, अभी सरकारी तरफ से ना कोई कंपनसेशन का वो हुआ है और अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। अब ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई जो है उनकी, मैंने सुना है कि उनका बस आगे आगे बाउंड्री दिखाई जा रही है जो इलीगल है, उनका अभी पर्सनली कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे ये कह रहा है कि मेन मोटो ये है हमारा कि जब तक पकड़ा नहीं जाता तो मेन चीज क्या है, क्या बताऊं आपको। अच्छा, शस्त्र लाइसेंस पता चल रहा है कि वो स्वीकृत आपका हो गया है सुरक्षा? हाँ, मैंने भी सुना है स्वीकृत हो चुका है अभी तक, लेकिन मेरे पास नहीं है, 1-2 दिन में पॉसिबिलिटी सुनाई दे रही है हो गया है। और मेन है जमीन वाला, उन्होंने 2-4 पिलर बनवा दिए हैं, जो मेरी जमीन थी, जो मेरी थी जिसके लिए उन्होंने ऐसा किया है वो। FIR दर्ज होने के बाद भी कुछ लोगों का नाम आपने लिया है कि इन लोगों की भी भूमिका है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं? FIR दर्ज होने के बाद ये जैसे हर फैमिली में लोग कोऑपरेट करते हैं बचाने में, जैसे मेरी फैमिली मुझे सहयोग कर रही है तो उनके भी फैमिली मेंबर होंगे, बिना फैमिली मेंबर को सहयोग करता नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। अब ये तो पुलिस जान सकती है ना कि क्या है, क्योंकि मेरे पति की जो कंडीशन हुई, 4-5 लोग थे वहां, तो मैं थी नहीं इस कंडीशन में। ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया बताया, अब ये तो पुलिस बताए ना पकड़ेगी क्या वो थे कि नहीं थे। तो आपने ये बताया कि हमने अपनी शिकायत की गई है, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी तरह की चोटें नहीं पहुंचा सकता है, ऐसे में 4-5 लोग रहे होंगे, आपने जो तहरीर के अलावा एक दूसरी सप्लीमेंट्री तहरीर दी है उस पर विवेचना का काम पुलिस का है। फिलहाल नगर कोतवाल जो थे अभी तक उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, नए कोतवाल को वहां तैनाती भी दी गई है। यही नहीं, चिकित्सक भी पूरी तरह से लामबंद है कि घटना का खुलासा हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि कभी भी जो भी बड़ी घटनाएं हुई है जिले में उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है, चाहे वो अधिवक्ता हत्याकांड हो, उसके आरोपी शार्प शूटर सिराज अभी भी फरार है, 1 लाख का इनाम है। इसके अलावा आप जो ये डॉक्टर साहब की हत्या में शामिल रहे हैं अजय नारायण सिंह, अभी भी फरार हैं, उन पर भी 50,000 का इनाम है। अभी कल ही जो है CGM की अदालत से NBW भी जारी किया गया है। यही नहीं, इसको लेकर के हर वर्ग में आक्रोश तो है ही है, जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, इसके साथ ही खास तौर से ब्राह्मण समुदाय के लोग 30 तारीख को जो है बृहद श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित कर रहे हैं और इसके जरिए आक्रोश जताएंगे। फिलहाल आगे क्या होगा, ओवरऑल परिवार की मंशा यह है कि हमें जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए, आरोपियों को जेल भेजा जाए, जो भी और लोग संरक्षण दे रहे हैं ऐसे कौन लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, उनके फॉर्मेलिटी के तौर पे बुलडोजर न चलाया जाए, जो वाकई ऐसे लोग शामिल हैं तो उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ये ऐसी मंशा है, ऐसी इच्छा है, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, ये हर व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य कर सकते हैं। जबकि जो ये घटना हुई है, इस घटना होने के बाद बहुत से ऐसे लोगों ने अपने मुंह भी खोले हैं, उन्होंने ये भी कहा है मुझको भी बंद करके अवैध वसूली के लिए मारा पीटा गया था, सारी चीजें हैं। फिलहाल अभी यह सवाल, जो भी सवाल है, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे बुलडोजर का चलना हो, चाहे अन्य कार्रवाई हो, सभी अभी भविष्य के गर्त में है। इस ये पहेली बनकर अभी भी सुल्तानपुर पुलिस के लिए सवाल है, हम चाहेंगे कि इसका भी जल्द खुलासा हो, जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिले। और हमारा दस्तक भारत चैनल भी संवेदना व्यक्त करता है, और बहुत से ऐसे नेता भाजपा के भी, गैर दूसरी पार्टी के भी लोग आए हैं, सांत्वना व्यक्त किए हैं, मिले हैं। दस्तक भारत के जरिए आप ये कहना चाहती हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, बड़ी जब तक नहीं मिल रहे हैं, और अन्य कार्रवाई हो, जो सरकार से हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए, फिर विशेष खबरों के साथ हम मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ, धन्यवाद।